हेलो एवरीवन, मैं शिखा और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी कुजीन में। आज हम बनाएंगे चावल के आटे से कढ़ी। दही वाली कढ़ी तो हम सबने खाई होगी, लेकिन चावल के आटे से कढ़ी जो बनाते हैं उसका भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा यूनिक सा होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो देख लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। इन्ग्रीडियंट्स मैंने सारे दे दिए हैं। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले गोभी ले लेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। लगभग एक कप गोभी है। और फिर अदरक, लहसुन, मिर्च और करी पत्ता, इन सारी चीज़ों को लेकर के या तो एक पेस्ट बना लें या फिर उसे क्रश करके रख लें। और धनिया पत्ता है, उसे भी बारीक कट कर लें। हमने जो अदरक, लहसुन, मिर्च और करी पत्ता का जो पेस्ट बनाया है, उस पेस्ट का हम यूज़ ग्रेवी सब्जी बनाने के लिए करेंगे। और उसका लगभग एक चौथाई हिस्सा बचा करके रख लेंगे, जिसे पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। इस पानी को मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर यूज़ करना है। गरम मसाले मैंने कुछ लिए हैं। सूखे मसालों में जीरा लिया है एक छोटी चम्मच के हिसाब का, नमक स्वाद अनुसार, हींग चुटकी भर, हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक छोटी चम्मच और धनिया पाउडर दो छोटी चम्मच, तेल सब्जी बनाने के लिए। चावल का आटा लेंगे। चावल के आटे को हम एक पतला सा घोल बनाएंगे। घोल बनाने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और उसमें गुठलियाँ ख़त्म होने तक अच्छा सा घोल बना लें। उसके बाद इसे पतला करें। तीन चम्मच चावल के आटे में लगभग चार से पाँच बड़ी गिलास पानी का यूज़ मैंने किया है। ये कढ़ी का जब हम घोल बनाते हैं तो बहुत ही पतला बनाते हैं। हम जब दही वाली कढ़ी बनाते हैं तो उसका घोल हम बहुत पतला नहीं करते हैं, लेकिन इसका घोल हमें बहुत पतला बनाना होता है, क्योंकि ये घोल पकते पकते बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें चावल होता है जो एक थिकनिंग एजेंट है, बहुत जल्दी वो थिक हो जाता है, इसलिए इसका पतला सा घोल बना करके शुरुआत करेंगे। कढ़ाई में तेल गरम कर लें। तेल गरम करने के बाद उसमें जीरा, हींग, करी पत्ता और मिर्च वाला पेस्ट डाल करके छौंका लगा लें। 30 से 40 सेकंड तक हम इसे भून लेंगे। इसका कच्चापन पूरी तरह से उतर जाएगा। आप इसे सावधानी से भूनें, क्योंकि इसमें मिर्च होती है तो वो आपके हाथों पर आ सकती है, इसलिए ढक्कन का यूज़ आप कर सकते हैं। हमारा मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें हरे मटर के दाने डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर यूज़ किया, क्योंकि सर्दियों में फ्रेश मटर बहुत ही ईजी अवेलेबल होते हैं। और इसे लगभग एक मिनट तक ही भूनूंगी। मटर को बहुत ज़्यादा मैं फोड़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये बाद में घुल जाते हैं। थोड़े से मटर भुनने के बाद इसमें हम गोभी डाल देंगे। गोभी को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। अब गोभी और मटर को पूरी तरह से पकने तक हम इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में। ध्यान रखें, आप यहाँ पर गोभी के अलावा और हरे मटर के अलावा कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर्दियों में हमें हरे चने बहुत ईजी मिल जाते हैं, तो ये जो चरपरहा कढ़ी है वो उस चने के साथ भी बहुत अच्छी आती है। हमारी गोभी पक चुकी है। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच, धनिया पाउडर लगभग दो छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक छोटी चम्मच। इन सबको भूंज करके इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। आप जब इस कढ़ी को बनाते हैं तो इसमें कोई भी सब्ज़ी आप ले सकते हैं। उस सब्ज़ी को हम जिस तरह नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं उस तरह सब्ज़ी बना करके फिर अपनी कढ़ी लगा दीजिए। लाइक हम बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें हम कढ़ी लगा सकते हैं। हरे चने हमें मिलते हैं ठंड में, उसकी हम कढ़ी लगा सकते हैं। आलू की सब्ज़ी हमने बनाई, उसमें हम कढ़ी लगा सकते हैं। कोई भी अपने पसंद की सब्ज़ी आप ले सकते हैं, उसमें आप ये कढ़ी लगा सकते हैं। अब मेरे टमाटर भी पूरी तरह से गल चुके हैं, तो अब मैं इसमें अपनी कढ़ी लगाऊंगी, मतलब कि मैंने जो चावल का पेस्ट बनाया है पतला सा, उसे इसमें डाल दूंगी। अब देखिए, मेरा चावल का जो घोल है, पेस्ट है, बहुत ही पतला है। कुछ समय में, लाइक 5 से 10 मिनट के बाद, धीमी आंच में पकाने के बाद आप देखेंगे कि ये क्रीम सा बनने लगा, एक जो सूप होता है सूप की तरह बनने लगा है, गाढ़ा सा। इसे बीच बीच में चलाते रहें जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो ये तली में जाकर चिपक जाएगा, इसका बहुत ध्यान रखें। ये देखिए, थोड़े ही समय में मेरी कढ़ी उबल करके क्रीम सी कंसिस्टेंसी में आ गई है। इसमें मलाई आ गई है बीच बीच में और ये अब पकने की स्टेज पर आ गई है। इसे हम लगभग 10 मिनट और पकाएंगे। 10 से 15 मिनट का टाइम लेती है कढ़ी पकने में। याद रखें, इसे आप धीमी आंच पर पकाएं और पूरा चावल के जो कच्चापन टेस्ट है उसे उतरने तक पका लें।
आखिर में इसमें हमने जो पानी बचाया हुआ था वो डालकर एक उबाल आने तक पका लें और फिर धनिया पत्ती सजा करके इसे सर्व करें। ये चावल की कढ़ी टिपिकल हमारे एमपी में, लाइक उसे हम चरपरहा कढ़ी के नाम से जानते हैं। तो ये कढ़ी सर्दियों में स्पेशली बनाई जाती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर आप किसी भी सीज़न में इसे बना करके खा सकते हैं। स्पेशली ये कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसका जो टेक्सचर होता है वो चावल के साथ घुल करके बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आप ये कढ़ी ट्राई करें, और जो भी वेरिएशंस अगर आप कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपने कौन से वेरिएशन के साथ इस कढ़ी को बनाया है। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक आप ये कढ़ी इन्जॉय करें। टेक केयर। बाय बाय।